संकल्प किया है कि हम स्वच्छता देंगे दिल्ली के अंदर, इस अभियान को तेजी लाएंगे। 19.5 साल एमसीडी के अंदर राज करने के बाद अब भाजपा को भ्रष्टाचार की याद आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में अगले साल नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है और ऐसे में तमाम सियासी दलों के बीच संग्राम छिड़ चुका है। जी हां, पिछले 2 दशक से तकरीबन 2 दशक का समय पूरा होने वाला है जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता एमसीडी में है और अब एमसीडी चुनाव जिस तरह से नज़दीक आ रहे हैं उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है एमसीडी चुनावों को लेकर। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को साफ स्वच्छ माहौल देना चाहते हैं और इसके लिए सफाई अभियान तेजी के साथ दिल्ली में हो रहा है। एमसीडी अपनी जिम्मेदारी पूरी कृतज्ञता के साथ कर रही है, लेकिन साथ ही साथ आदेश गुप्ता ने कहा कि हम सफाई अभियान सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि एमसीडी के अंदर भी करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ भी सफाई अभियान चलाया जाएगा। क्या कुछ कहा आदेश गुप्ता ने, आपको सुनवाते हैं। निगम एक बिल्कुल जमीन पर उतर कर काम करने वाली संस्था है और इसके लिए हम बिल्कुल कृत संकल्पित हैं कि जो हमने संकल्प किया है कि हम स्वच्छता देंगे दिल्ली के अंदर, इस अभियान को तेजी लाएंगे और जनता के से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको सुनने के लिए हमने तीनों मेयर और तीनों निगम नेता सदन, हमारे सभी निगम पार्षद और ये जो मेयर और नेता सदन डिप्टी मेयर, ये पूरी टीम, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ये 7 दिन इलाके में रहेंगे, सुबह की विजिट करेंगे और स्वच्छता अभियान को प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है और दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है, इस तरह हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और स्वच्छता अभियान जहां एक ओर हम मार्केट कॉलोनी, चाहे वो नाले की सफाई हो, हर तरह का स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और यहां तक कि अगर कोई भी करप्शन करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी निगम स्वच्छता अभियान चलाएगा, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है। तो आदेश गुप्ता ने एक तरफ कहा कि वो अगर भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर होता है तो उसके खिलाफ उनकी जो पार्टी है वो सख्त कार्रवाई करेगी, सफाई अभियान चलाएगी। उधर आम आदमी पार्टी, जो कि कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए नगर निगम के चुनावों में, उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, वो लगातार देखा जा रहा है कि वो बैक टू बैक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं एमसीडी को लेकर और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आते हैं हर बार, लेकिन इस बार उन्होंने आदेश गुप्ता की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको मुद्दा बनाते हुए एक तरह से जवाब देने की कोशिश की और सीधे तौर पर कहा कि आदेश गुप्ता जी, आपके जो अपने अधिकारी हैं एमसीडी के अंदर, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं पहले आप उन पर कार्रवाई कीजिए। किस तरह से जवाब दिया सौरभ भारद्वाज ने, वो आपको सुनवाते हैं। 19.5 साल एमसीडी के अंदर राज करने के बाद अब भाजपा को भ्रष्टाचार की याद आई है। अब जब 6 महीने चुनाव में बचे हैं तो भाजपा को, दिल्ली भाजपा को एमसीडी में भ्रष्टाचार दिखने लग गया है। ये हम सब दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अब उनको लग रहा है कि हाँ, एमसीडी में भ्रष्टाचार है और उन्होंने एक भ्रष्टाचार को मिटाने का मिशन शुरू किया है। और उनके साथ जिन लोगों ने मिशन शुरू किया है उसमें से ऐसे कई लोग हैं जिनके खिलाफ हमने भ्रष्टाचार के सबूत इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पेश किए हैं। तो मैं आज आदेश गुप्ता जी को उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में और सबूतों के बारे में दोबारा बताना चाहता हूं और हम चाहते हैं कि आदेश गुप्ता इनके ऊपर कार्रवाई करें, वरना ये जो भ्रष्टाचार के ऊपर उन्होंने नया राग शुरू किया है ये बिल्कुल 2017 के राग की तरह रहेगा। 2017 में
जब दिल्ली में एमसीडी का चुनाव थे तब भी भाजपा ने माना था कि हमारे पार्षदों की छवि बहुत खराब है, पार्षदों को लोग भ्रष्टाचारी मानते हैं और इन पार्षदों को लोग नहीं पसंद करते और सारे पार्षद बदले थे। मुझे लगता है ये जो तैयारी आदेश गुप्ता ने की है, दोबारा से सारे पार्षदों को बदलने की तैयारी जो है, जो उन्होंने बोला ना कि हम इन सबकी सफाई करेंगे, इसकी कर रहे हैं। मगर हम ये बताना चाहते हैं कि समस्या पार्षद में नहीं है, समस्या भाजपा में। दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर इस बार मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले तकरीबन 20 साल से एमसीडी के अंदर है, सत्ता पर काबिज है, तो दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी जिसने अभी जो इस साल बाई इलेक्शन हुए थे एमसीडी के, उसमें 5 सीटों में से 4 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। तो इन तमाम आंकड़ों को देखकर, तमाम समीकरणों को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी के चुनावों में आम आदमी पार्टी एक बड़ी चुनौती देने जा रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।